श्रीलंका टूर के लिए इंडियन टीम अनाउंस हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि 26 जुलाई से टीम इंडिया श्रीलंका में 3 ODI और 3 T20 मैचेस खेलेगी, जिसका शेड्यूल पहले ही अनाउंस हो चुका था। आज BCCI ने श्रीलंका टूर के लिए ODI एंड T20 टीम अनाउंस कर दिया है। श्रीलंका टूर में रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ KL राहुल और श्रेयस अय्यर की भी वापसी हो रही है, और रियान पराग एंड हर्षित राणा को ODI में मेडन कॉल भी मिला है। इन सबके साथ शुभमन गिल, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद को ODI स्क्वाड में मौका मिला है। T20 स्क्वाड के लिए पहले माना जा रहा था कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद हार्दिक पांड्या टीम इंडिया को T20I में लीड करेंगे, लेकिन श्रीलंका टूर में हार्दिक पांड्या के रहते हुए भी सूर्य कुमार यादव टीम को लीड करेंगे। सूर्य कुमार यादव के साथ शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षय पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद एंड सिराज T20 टीम का हिस्सा है। सो गाइस, बहुत सारे प्लेयर वापसी कर रहे हैं, जैसे KL राहुल, श्रेयस अय्यर और रियान पराग, हर्षित राणा जैसे नए प्लेयर को भी मौका मिला है। क्या आप श्रीलंका टूर के लिए एक्साइटेड हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना।